नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके घर से 5 हाथ की दूरी पर मिट्टी में दबा है यह खजाना। दोस्तों, समय रहते देख लीजिए कि किस जगह यह खजाना है। ये दोस्तों आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। ये दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि इस मिट्टी के अंदर जो खजाना है वे आपके ही किस्मत के लिए रखा हुआ है। ये दोस्तों बशर्ते अब आपकी जरूरत होती है किनकी पहचान करने की कि आखिर कैसे यह खजाना आपको मिल सकता है, कि आखिर कैसे आपकी किस्मत में यह खजाना मिल सकता है। जी दोस्तों, तो दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। जी दोस्तों, इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कैसे आप इस खजाने तक पहुंच सकते हैं, कैसे आप इस खजाने को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इन सभी के लिए आपको अपने जीवनकाल में कौन सी विशेष सावधानियां रखनी है, आने वाले समय में आपके जीवनकाल में आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी भी मिलने वाली है, तो दोस्तों तमाम जानकारियां इस वीडियो में ग्रह के गोचर पर निर्मित है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली साबित होंगे। और दोस्तों खास जानकारी आप सभी को बता दें कि आने वाले 3 दिनों के अंदर ग्रहों की प्रबल स्थिति बन रही है कि यह खजाना आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों 3 दिनों के अंदर कौन सी ग्रहों की स्थिति होगी, कैसा कैसा बदलाव होगा और कैसे आप इस खजाने के तह तक जा सकते हैं, सभी जानकारी सभी रास्ते इसी वीडियो में है। तो दोस्तों अगर आप वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों आपको यह पता तो चलेगा ही कि खजाना कहां पर है। साथ ही साथ दोस्तों आपके जीवनकाल में कुछ ऐसे भी लाभ के मौके खुल जाएंगे जिससे दोस्तों आपको आजीवन लाभ मिलता रहेगा। जी दोस्तों, उससे पहले दोस्तों जो भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिख दें। माता लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा और यह धन आप सभी को प्राप्त होगा। जी दोस्तों, तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से। दोस्तों एक व्यक्ति मंदिर जा रहा था अपने 5 साल के पुत्र के साथ। आरती का समय हो गया था। वह व्यक्ति ने देखा कि जब आरती गा रहा है तो मेरा पुत्र भी कुछ गुनगुना रहा है। बाहर आकर उसने पुत्र से पूछा कि तुम्हें तो आरती आती नहीं, तुम क्या गा रहे थे? पुत्र ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, मैंने तो क ख ग घ पूरा सुना दिया भगवान जी को और कहा कि इन शब्दों से अपने आप प्रार्थना बना लो। दुनिया दिखावा देखती है, नियत नहीं। भगवान नियत देखते हैं, दिखावा नहीं। जी दोस्तों, और दोस्तों हमें भी अपने जीवनकाल में कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। हमारे पास कुछ हो या ना हो, लेकिन सच्चे श्रद्धा के साथ हमें ईश्वर को पुकारना चाहिए। अगर हमें मंदिर जाने के पेशे ना भी हो तो दोस्तों घर से ही आपको हमें ईश्वर को स्मरण करना चाहिए। हमें ईश्वर का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि ईश्वर हमारे दिखावे को नहीं, हमारी नियत, हमारी श्रद्धा और हमारी भक्ति को देखते हैं। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के इस भक्त का ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आए दोस्तों के साथ बात करते हैं कि आने वाले 3 दिनों के अंदर आपकी जीवनकाल में ये जो आपके घर से 5 हाथ की दूरी पर जो खजाना है आपको कैसे मिल सकता है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो के मध्य में हम आपको कुछ ऐसे मंत्र बताने वाले हैं, कुछ ऐसे गुप्त उपाय बताने वाले हैं जिन्हें अगर आप सुन लेंगे तो दोस्तों आप इस खजाने के तह तक जा पाएंगे। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि खजाना पुरखपति का दिया हुआ हमारे लिए वरदान होता है। हमारे घर में, हमारे आसपास में हमारे पूर्वजों का खजाना अवश्य दबा रहता है। परंतु दोस्तों ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि इस खजाने को केवल वही देख सकता है जो व्यक्ति के मन में सच्चा निष्ठा हो, जिस व्यक्ति के मन में सच्चा श्रद्धा भाव ईश्वर के प्रति भक्ति हो। जी दोस्तों, और आपके मन में तो ईश्वर के प्रति भक्ति दबा हुआ है। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि आने वाले 3 दिनों के अंदर अपने मन को शुद्ध करना होगा। जी दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि दोस्तों इस खजाने की प्राप्ति करने के लिए आपको अपने हृदय को, मन को स्वच्छ करना होगा। यश में आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना होगा। जी हाँ दोस्तों, 3 दिनों के ही अंदर यह धन प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। और दोस्तों कुछ उपायों को भी आपको करना होगा ताकि आप इस खजाने की तह तक जा सकें। जी दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि सुबह ही उठकर
आप अपने ऊपर नहा धोकर गंगा जल छिड़क लें। और दोस्तों सबसे पहले आपको माँ लक्ष्मी की आरती करनी है। ये दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि माँ लक्ष्मी की आरती करनी है, अपने मन को शुद्ध करना है और माँ लक्ष्मी की चरणों में अपने मस्तक को रखकर दोस्तों 5 बार माँ के आगे सिर झुकाना है कि हे माँ लक्ष्मी, अब लौट आ हमारे घर, हमसे जो भूल हुई वो हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे, हम आपके चरणों में अपने सिर को झुकाते हैं, हे माँ अपने बालक को क्षमा कर दे। दोस्तों पूरे हृदय से पूरे दिल की गहराइयों से माँ के आगे आप झुक जाएं और यह विनती करें। दोस्तों माँ आपके वश ही सुनेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यशमी आप माँ के मंत्रों का जाप करें। ओम भूर्भुव स्वः, इस मंत्र का गायत्री मंत्र का दोस्तों आप जाप करें। दोस्तों यकीन मानिए इनसे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी और आपके इन मंत्रों से आपकी इन बातों से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त होगा। और दोस्तों इस खजाने तक जाने का आपको रास्ता कैसे मिलेगा, आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों जब आप अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं तो दोस्तों सबसे दूसरा उपाय आपको करना क्या है कि जब भी आप अपने जीवनकाल में कोई भी शुरुआत करते हैं, सुबह से ही शाम तक कोई भी कार्य करते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आपको दिन भर में अपने जीवनकाल में जो भी व्यक्ति आपके साथ रहते हैं उनके सामने कभी भी पेशों को लेकर बात नहीं करनी है। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर आप पेशों के बारे में किसी से वार्तालाप करते हैं तो दोस्तों ये धन पाने की जो चमक है आपके भाग्य में दोस्तों ये खो सकती है। कि दोस्तों माँ लक्ष्मी जिनको भी धन देती है दोस्तों वह धन का गुणगान नहीं करता, ये दोस्तों वह चुपके से उस धन को प्राप्त करते हैं। ये दोस्तों अगले 3 दिनों के अंदर आपको इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि 3 दिनों के अंदर आप सभी के जीवनकाल में आपको 3 बड़े संकेत भी मिलने वाले हैं, जो कि दोस्तों रात को सपने में आपको एक ऐसा संकेत मिलेगा कि आपके घर में बारिश हो रही हो और उस बारिश में आप भीग रहे हो। ये दोस्तों ऐसे सपने आप सभी के जीवनकाल में आपकी खुशखबरी को दर्शाता है। ये दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके घर में ऐसी बारिश हो जिनमें आप उस खुशी से झूम रहे हो तो दोस्तों यकीन मानिए ये आपके अच्छाई का सफर होगा। इसके बाद दोस्तों आप सभी को बता दें कि रात को सोने से पहले सिरहाने में आप एक लोटा जल रखकर उसमें थोड़ा सा शहद मिला दें और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करके दोस्तों सुबह उस पानी को पी जाएं और दिन भर आप जिस कार्यों को कर रहे हैं दोस्तों उस कार्यों को करते रहें। और दोस्तों ध्यान रहे कि कोई भी कार्य करने से पहले उनमें चिड़चिड़ापन आप बिल्कुल ही ना लाएं। कि दोस्तों 3 दिनों के अंदर अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे, इन सभी कार्यों को करते रहेंगे तो दोस्तों गारंटी देते हैं कि यह धन माँ लक्ष्मी आपको ही देंगी। जी दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि अगर आपके जीवनकाल में अगले 3 दिनों के अंदर एक ऐसी स्त्री आ जाए, एक ऐसी दीप महिला आ जाए जो आपको पेशों के बारे में बताएगी खुद कि आपके पास पेशे हैं, हमें कुछ पैसे उधार दीजिए, या फिर पैसों से जुड़ा कुछ भी बात करे कि पैसे लीजिए, पैसे का ये चीज़ है, पैसा मेरा गुम हो गया, कुछ भी आपको कह सकता है, तो दोस्तों ये आपको समझ लेना है कि माँ लक्ष्मी का संकेत आप सभी को मिल चुका है और 3 दिनों के अंदर ही आपको यह धन प्राप्त होगा। ये दोस्तों जो कि आपके घर से ही पास में है, आपके घर से 5 हाथ की दूरी पर है। ये दोस्तों हम आप सभी को बताते हैं कि दोस्तों कैसे आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों घर से उत्तर और पूर्व की जो ईशान कोण है, ये दोस्तों ध्यान सुनिएगा, ईशान कोण यानी कि उत्तर और पूर्व के कोण को ईशान कोण कहते हैं, उनसे दोस्तों आपको 5 हाथ की दूरी नाप लेनी है। ध्यान से सुनिएगा कि दोस्तों उत्तर और पूर्व के कोण में जो भी कोण आते हैं उन्हें ईशान कोण कहते हैं, उनसे 5 हाथ की दूरी माप लेनी है। और दोस्तों उस दूरी पर जाकर दोस्तों आपको रात में दोस्तों छोटा सा फूल लेना है, किसी का भी फूल ले सकते हैं, उस फूल को उस जगह रख दें और दोस्तों सुबह आके देखें कि अगर वह फूल उसी तरह खिला हुआ है तो दोस्तों यकीन मानिए उस जगह वही धन आपको प्राप्त होगा जो कि पूर्वजों का रखा हुआ धन है। जी दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें अगर वह फूल खिला हुआ रहे तो दोस्तों उसी रात को आपको उस जगह थोड़ा सा गड्ढा करना है और दोस्तों छोड़ देना है, सुबह उठकर फिर उस जगह आना है तो दोस्तों देखेंगे कि उस जगह आपको कुछ ऐसे दिव्य शक्तियों का आहट महसूस होगा, कुछ ऐसे सुंदर चीज़ें दिखेंगी जिन्हें देखकर आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आएंगी और आपको दोस्तों पता चल जाएगा कि यह खजाना इसी जगह है। और दोस्तों आपको करना क्या है,
कि अगले दिन उस खजाने की तह तक जाने के लिए दोस्तों अमृत बेला का आपको सहारा लेना होगा। यानी कि दोस्तों 3 से 5 बजे के बीच आप उस जगह जाकर दो हाथ गड्ढा करके देखिएगा तो दोस्तों उस जगह आपको पूर्वजों का छुपा हुआ खजाना मिलेगा, माँ लक्ष्मी का दिया हुआ वरदान मिलेगा। दोस्तों इनसे आप सभी का जीवन बदल जाएगा जी दोस्तों। परंतु दोस्तों ध्यान रहे कि जब भी आपको इस खजाना की प्राप्ति हो जाए तो दोस्तों अपने जीवन काल में किसी को भी आप इनके बारे में न बताए जी दोस्तों। और दोस्तों जब आपको यह धन मिल जाए तो दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, आप शुभ बता दें कि इस धन को लेकर ले जाकर आप जिस तिजोरी में रखेंगे, जहाँ पर भी रखेंगे दोस्तों, वहाँ पर रखने से पहले रोली यानी लाल सिंदूर में थोड़ा सा जल मिलाकर पेस्ट बना लें और दोस्तों इन्हें पीपल के पत्ते में लगा लें और इनकी चिकनी तरफ उस रोली में हींग लिखें और उसे देवी माँ को अर्पित कर दें, यानी उस तिजोरी पर रख दें। इससे दोस्तों आपका धन का जो योग है वह बढ़ने लगेगा और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, माँ लक्ष्मी का वास बना रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है। पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माँ लक्ष्मी। और दोस्तों और इसी अधिक जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।